बोनस इशू। ठीक, तो बोनस इशू क्या होता है कि अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं बोनस इशू। पहले क्या कहा, बोनस इशू इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। नो कैश इज रिसीव फ्रॉम मेकिंग अ बोनस इशू ऑफ शेयर। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू और स्क्रिप। सब इसके एडवांटेज क्या होंगे, फ्री में क्यों दे रहे क्या? प्रीमियम देते ये होंगे भी हो सकता है एज अ बोनस हो, डिविडेंड, एज अ डिविडेंड क्या है। ऐसा भी होता है कि कंपनी अगर कि डिविडेंड देने प्रॉफिट हुआ और लेकिन कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज है या कैश आपको कहीं यूज करना है नीड है, तो कंपनी पे कैश डिविडेंड नहीं देती बल्कि शेयर्स के फॉर्म में डिविडेंड दे दिया। ये भी हो सकता है। और इसके अलावा और कुछ और रीजन होती है, फिर बात करते हैं। एक चीज आपको पता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता है ना। सप्लाई अगर बढ़ इंक्रीज हो जाए तो डिमांड, जैसे सप्लाई इंक्रीज हो तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, कम होते हैं, और डिमांड इंक्रीज हो जाए तो बढ़ जाते हैं ना। सही है। तो एक रीजन ये भी होती है कि अगर हमारे शेयर्स की देखिए मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो अब हम अगर जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं तो उसके इश्यू होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा है ना, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी मार्केट में। अच्छा, अब अगर प्राइस कम हो जाए तो फिर डिमांड डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक रीजन ये भी होती है आपके प्राइस कम कर, कि आप जब बोनस शेयर हम इश्यू करेंगे इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में तो आपके रेट नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो फिर उसके बाद हम जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करेंगे तो उसके इश्यू के चांसेस बढ़ जाते। तो एक रीजन ये भी होती है कि जब हमें प्राइस रिड्यूस करना हो, मार्केट रेट हमें रिड्यूस करने हो, तब भी ये कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करेंगे। अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू शेयर इशू कर रही है तो इसके एडवांटेज क्या है। नंबर वन, के इंक्रीज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग शेयर होल्डर्स। अच्छा, से तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा ये कैसे आपके शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी डायल्यूट नहीं होती, मेंटेन रहेगी। यानी कि बोनस इशू से पहले जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज थी, बोनस इशू के बाद भी वही रहे, पर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इससे क्या फायदा है, कैपिटल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने से क्या हो, मतलब एक कंपनी है जिसका एसेट्स हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटी, कैपिटल का अमाउंट कम है, बाकी आपके अदर इक्विटी के पार्ट जैसे प्रीमियम वगैरह ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से एक लगेगा कि आपके एक बिजनेस क्या, एक बड़ी बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। अच्छा, जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा और जो शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग भी डाइल्यूट नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एग्जिस्टिंग को इशू करेंगे और उसी प्रोपोर्शनेट में देंगे, तो उससे उनकी शेयर होल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस तरह राइट इश्यू होता था। अच्छा, इश्यूड शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स। आपकी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे मार्केट में तो उससे क्या होगा, जस्ट मेकिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वन लेस, वैल्यू कम हो जाएगी एंड सो मोर मार्केटेबल, एंड सो मोर मार्केटेबल।
आप फ्री में आप शेयर्स दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे मार्केट में, तो इससे क्या होता है आपके रेट कम हो जाते हैं, तो किसी भी चीज की शेयर होल्डर को दे रहे हैं ना, मार्केट में चलेगा ना, तो फिर वो आपस में ट्रेडिंग करते रहेंगे तो मार्केट में चलेगा ना, कंपनी से निकल गए। अच्छा अब इससे क्या देखें, एक पता एक रूल, हर किसी चीज की अगर सप्लाई बढ़ जाए तो उसके प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा आपके जो शेयर्स हैं मार्केट में इंक्रीज होंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू कम, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होता है, और डिमांड इंक्रीज हो तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, सप्लाई इंक्रीज हो तो प्राइस कम होते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा, आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम होगी तो उससे वो मोर मार्केटेबल हो जाए, यानी कि आप फ्यूचर में अगर जनरल पब्लिक को इश्यू करेंगे तो इश्यू होने के चांसेस बढ़ेंगे रेट कम होने से, ठीक है। जो चीज सस्ती होती है जिसके प्राइस थोड़े कम होते हैं वो ज्यादा मार्केटेबल होती है, सेल ज्यादा होती है, और जो चीज महंगी होंगी वो कम सेल, तो इसके एक मेन एडवांटेज ये है कि आपकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो आपके शेयर मोर मार्केटेबल। अच्छा, इश्यूड शेयर कैपिटल इज ब्रॉट मोर इनटू लाइन विद एसेट्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी बाय रिड्यूसिंग स्टेटेड रिजर्व्स एंड इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटलाइज रिजर्व सो दे कैन नॉट बी पेड एज डिविडेंड। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है, इस दो पॉइंट पे हम बात करते हैं रिजर्व्स के ऊपर। अब देखिए, हम बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, इससे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक। अगर इसको रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट डेबिट, क्या करेंगे, फ्री में दे रहे हैं ना, नो कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंस थोड़ी है, एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक तो ये डेबिट क्या होगा, इसको कहां से फाइनेंस करेंगे, ठीक है, तो इसको हम फाइनेंस करते हैं अपने रिजर्व्स, रिजर्व से फाइनेंस किया जाता है, कौन सा रिजर्व होगा, आप बता, जरा चलते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं रिजर्व्स की, उसके बाद इस पे वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब होता है क्या, रिजर्व की मीनिंग क्या होता है, रिजर्व ये रिजर्व करना मतलब कि फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, कुछ पैसे आपने रिजर्व कर लिए कि बाद में काम आएंगे, तो रिजर्व मतलब कि फ्यूचर यूज के लिए कुछ अमाउंट साइड पे करना, जैसे कि कंपनी आपकी प्रॉफिट हुआ, आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और जो काम करने थे वहां आपने प्रॉफिट यूज किया, उसके बाद प्रॉफिट तो उसको आप क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे ताकि फ्यूचर में काम आए, तो रिजर्व को मतलब होता है कि कुछ अमाउंट साइड पे करना, तो गवर्नमेंट का भी जितना मनी होता है रिजर्व वो तो अलग चीज, होता वो अलग चीज, है सस्टेन ये करके वो थोड़ा कंपनी की बात है, रिजर्व वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उससे ना मिले, वो तो जितना गोल्ड है उतना नोट इशू करेंगे, वो अलग चीज, ये उसके ताल्लुक इससे थोड़ी, यहाँ पे एक बिजनेस की बात हो रही है, अभी हम नोट थोड़ी इशू कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूरत पास करती है इतनी है पर हमारे कैपिटल मार्केट में ज्यादा नहीं अच्छा कुछ भी नहीं, कुछ होता भी नहीं, इसको बता दो, वो अलग चीज, ये अलग, तो रिजर्व्स का मतलब है कि फ्यूचर यूज के लिए कुछ अमाउंट साइड पे कर, जब रिजर्व्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज, कैपिटल रिजर्व स्टैचुअटरी या रिजर्व और सेकेंड रेवेन्यू रिजर्व और नॉन स्टैचुअट के, दो टाइप्स हैं, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, सो बात करते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये तो आपको मेंटेन करने हैं। अच्छा, लॉ कौन सा, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, और सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड, इसमें से आप डिविडेंड भी नहीं दे सकते, ठीक है, ये आपको सिर्फ मेंटेन करके रखें। सेकेंड है रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होंगे, क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट से क्रिएट होंगे, कि जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आपने यूज किया, कुछ अमाउंट बच गया, वो आपने रिजर्व करके रख लिया कि फ्यूचर में काम आएगा। अच्छा, कैन बी यूज टू पे डिविडेंड, क्योंकि ये प्रॉफिट से क्रिएट हो रहे हैं और डिविडेंड भी हम प्रॉफिट से देते हैं, इसलिए हम रेवेन्यू रिजर्व में से डिविडेंड भी दे सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट ही होता है हमारा, जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है।
रिक्वायरमेंट बिजनेस लॉ की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, जिसको कंपनीज फॉलो करती है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये आपको मेंटेन क्या तो भी बात करते हैं, पहले तो एग्जाम्पल बनाए ना, एग्जाम्पल क्या होती है उससे समझ में आए। अच्छा देखिए, कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल्स में क्या आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व और शेयर प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व और शेयर प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, अब ये हमारे बिजनेस लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये दो रिजर्व आपको मेंटेन करना है। रिवैल्यूएशन में पढ़ा था याद है, इसकी एंट्री क्या होती है, आपका एसेट डेबिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है। और शेयर प्रीमियम की एंट्री भी पता है आपको, शेयर इश्यू के टाइम पे बनती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो अब लॉ ये कहता है कि ये दोनों अमाउंट्स आपको रिजर्व करके रखने, इसको आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एबिलिटी नहीं, देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, एसेट को आपने रिवैल्यू किया, मार्केट वैल्यू मालूम किया, इंक्रीज आ गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्या वो पैसे आपको रियलाइज हो गए? नहीं। ये बिल्डिंग ये 2 करोड़ की थी, आज 3 करोड़ की हो गई, क्या 1 करोड़ आपको मिल गया? नहीं। तो एक चीज अब आपको रियलाइज ही नहीं हुई तो उसको यूज कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ एक पेपर वर्क होता है ना, कितने की बिल्डिंग थी, इतने की हो गई, आप एंट्री बनाते हैं बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, तो क्या वो जो गेन का अमाउंट है वो रियलाइज हो गया, तो उसको यूज कर सकते हैं? एक चीज रियलाइज ही नहीं हुई तो यूज कैसे हो? ठीक है, तो जब तक वो रियलाइज नहीं होगा तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। इसलिए लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये आपको मेंटेन करके रखना है, इसमें से आप डिविडेंड वगैरह नहीं दे सकते जब तक कि वो रियलाइज बात समझ में आती है। इसके बाद शेयर प्रीमियम है, वो कहता है कि लॉ हमारा कि आपको जो शेयर इश्यू करने में प्रीमियम मिला उसको भी आपने रिजर्व करके रखा। तो यहाँ बात थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि शेयर प्रीमियम तो रियलाइज हो जाता है ना, 10 रुपए का शेयर था, 15 में आपने इश्यू किया तो कैश कितना मिलेगा? 15, तो 5 आपका प्रीमियम हुआ, प्रीमियम तो रियलाइज हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, तो पढ़ते हैं आगे। लेकिन ऊपर लिखा था कैन नॉट बी पे यूज टू पे डिविडेंड, इससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते सर। अच्छा, बात समझ में आती है क्यों? लेकिन आज आपने एक शेयर होल्डर को शेयर इश्यू किए, 10 रुपीज का शेयर था, 15 में इश्यू किया, 5 रुपीज आपको प्रीमियम मिल गया। अच्छा, पूरे साल आपकी कंपनी चलती रही, जैसे जैसे आप भी चलती रहे, पूरा साल गुजर गया, ईयर एंड पे क्या हुआ, आपने डिविडेंड देना, तो डिविडेंड तो प्रॉफिट से देना दिया जाता है ना। अच्छा, अब आपकी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ, तो आपने सोचा कि आज जो प्रीमियम पड़ा हुआ है प्रीमियम में से डिविडेंड दे दें, तो ये फेयर होगा? नहीं, तो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हो तो कैसे देंगे? अब आप उनको खुश करने के लिए या अपने मार्केट वैल्यू मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, तो इससे आपके एक पॉजिटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट होता है ना, कंपनी अगर डिविडेंड देती है प्लस पॉइंट है, तो आपने कहा जो शेयर प्रीमियम में पैसे पड़े हैं उसमें से डिविडेंड दे दे, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती ना। प्रॉफिट से डिविडेंड दें तो बात समझ में आती है कि आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है। ये कि आपने वो शेयर इश्यू किया था 10 रुपए वाला, 15 में 5 रुपए आपको मिले, 5 रुपए में से अब आप 2 रुपए जो है डिविडेंड के नाम से उनको वापस कर रहे हैं। आपने 10 रुपए का शेयर 15 रुपीज में इश्यू किया, 5 रुपीज प्रीमियम आया, अब उसी 5 रुपीज में से आप 2 रुपीज डिविडेंड के नाम से शेयर होल्डर को वापस कर रहे हैं। ठीक है, सही है, फेयर है गलत है? कि जो पैसे आपने लिए वही आप नाम चेंज करके उनको वापस कर रहे हैं, ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है ना। आपको डिविडेंड देना है तो आप काम करें, प्रॉफिट अर्न करें, उसमें से डिविडेंड दें, तो बात भी है। तो इसलिए लॉ ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप इससे डिविडेंड पे नहीं कर सकते, डिविडेंड देना है तो आप अपने प्रॉफिट से दें। अच्छा, लेकिन पॉइंट यह आता है कि अब ये रियलाइज तो हो गया तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा, वो पढ़ते हैं आगे। कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड, पहला पॉइंट। अच्छा, कैन बी यूज, अब यूज कहाँ होगा, टू कवर द कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू, अगर आप नए शेयर इश्यू कर रहे हैं उसमें जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो इससे कवर कर सकते हैं।
सेकेंड एंड ऑल्सो बी टर्न इंटू शेयर कैपिटल वाया बोनस। तो बोनस शेयर इशू करके आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आती है कि आपने 10 रुपीज का शेयर था, 15 में इशू किया, 5 रुपीज प्रीमियम आया, और आप उसी 5 के अगेंस्ट आप शेयर होल्डर को एक और शेयर दे रहे हैं फ्री में। तो बात समझ में फिर भी आती है कि एक तरह समझे वो पैसे आपने जो पहले लिए थे उनसे एक्स्ट्रा उसके अगेंस्ट आप उनको दे रहे, वो कवर हो गए। राइट, तो अब यहां से हमें एक पॉइंट मिला कि बोनस शेयर्स को हम फाइनेंस कहां से करेंगे, शेयर प्रीमियम। तो बोनस शेयर इशू कहां से होंगे, शेयर प्रीमियम से। ठीक है, तो जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, और सेकेंड शेयर प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। शेयर प्रीमियम डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डबल एंट्री बन जाती है फिर, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा, तो अभी वापस वहीं चलेंगे, बाकी ये जनरल इस पे आते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये क्रिएट कहाँ से होते हैं, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट में से आप मुख्तलिफ नाम से पैसे रिजर्व कर सकते हैं। एक तो आपने कहा भी कुछ पैसे रख लेते हैं, फ्यूचर में कभी कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, उसको आपने नाम क्या दे दिया, जनरल रिजर्व। फिर आपको फ्यूचर में कोई नया प्लांट खरीदना था तो आपने कुछ अमाउंट रिजर्व किया तो उससे नाम दे दिया आपने रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, के एक अलग अकाउंट बना के पैसे रिजर्व कर लिए। अच्छा, फिर एक आपने अकाउंट बनाया रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, कुछ प्रॉफिट आपने साइड पे कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कंटीजेंसी, कंटीजेंसी या कंटीजेंट इवेंट जिसको कहते हैं, कंटीजेंसी नहीं इंग्लिश में नहीं, जनरल में नहीं, क्या पैसे प्रॉब्लम्स। हाँ, कंटीजेंसी मीन्स होता है सडन लॉस, सडन लॉस, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कंटीजेंसी। ऐसे आग लग गई, अभी बारिश हुई, पानी आ गया, इसमें नुकसान हो गया आपका। ठीक है, छत गिर गई, मशीन जल गई, ठीक है, तो ये सडन लॉस होते हैं ना, उसके लिए टर्म यूज होती है कंटीजेंसी। इसको उर्दू में इसके मीनिंग बनते हैं नागहानी आफत। सही है, अचानक से कोई लॉस होता है, सडन लॉस। ठीक है, तो उसके लिए भी तो कुछ रिजर्व करके रखेंगे ना, कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, कुछ प्रॉफिट आपने रिजर्व कर लिया, ठीक। अच्छा, ये सारे काम हो गए, इसके बाद आपने डिविडेंड दे दिया, इसके बाद भी प्रॉफिट बच गया तो क्या करेंगे, उसको भी रिजर्व कर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। तो उसके लिए फिर अकाउंट बनता है रिटेन्ड अर्निंग के नाम से। ठीक, जो प्रॉफिट बचता है उसे हम फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके रिटेन कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर काम आता है। अच्छा, इसके 3-4 नाम है, रिटेन अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट या इन अप्रोप्रिएट, ये चीज के 4। अच्छा, फिर रिजर्व समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब वापस चलते हैं, रिटेन अर्निंग तो प्रॉफिट होता है ना आपका, तो ये प्रॉफिट हुआ, आपने सारे काम किए, जहां जहां यूज करना था यूज कर लिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया, तो उसको क्या करेंगे, नहीं उसको जाता है जब एसेट सेल होता है, तो मैंने पढ़ा था एसेट सेल हो गया, एसेट आपने रिवैल्यू किया, बाद में उसको सेल किया, वो रियलाइज हो गया, तो फिर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को अपने रिटेन अर्निंग में इंक्लूड उस वक्त करते हैं, पहले नहीं। सही है, बाद में, ठीक है, उसको अगर रियलाइज हो जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसको अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हैं, फिर करते हैं, फिर उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अच्छा, तो पॉइंट क्या था हमारा यहाँ कि बोनस शेयर्स को हम फाइनेंस कहाँ से करेंगे, पॉइंट मिल गया हमें रिजर्व से। वापस चलते हैं, हम बात कर रहे थे इसके एडवांटेजेस की ना। देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या था, इश्यूड कैपिटल इज ब्रॉट मोर इनटू लाइन विद एसेट्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी बाय रिड्यूसिंग स्टेटेड रिजर्व्स एंड इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आपके एसेट्स हैं 5 लाख के, कैपिटल है आपका 2 लाख का, और रिजर्व्स हैं आपके 3 लाख, लाइबिलिटी सपोज 0। अब रिजर्व बहुत ज्यादा है, कैपिटल कम है, तो ये एक बेहतर सिचुएशन है, या कैपिटल ज्यादा और रिजर्व्स कम हो वो बेहतर है, कि आप रिजर्व करके रखें यूज ही ना करें, रिजर्व ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए।
कैपिटल ज्यादा होना चाहिए ना, उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उसको यूज करें ना। अब आप रिजर्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसको यूज ही नहीं कर रहे, क्या फायदा है सर? वो फिर अलग दूसरी साइड जा रही है, उसको छोड़ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तब आपके पास एसेट्स है 5 लाख के, कैपिटल है आपका सपोज 1 लाख का, रिजर्व आपके पड़े हैं 4 लाख, तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, रिजर्व इतने ज्यादा ना हो कैपिटल से ज्यादा, रिजर्व कम हो कैपिटल आपका ज्यादा हो। तो इससे क्या होता है, बोनस शेयर इश्यू करने से आपके रिजर्व्स कम हो जाते हैं और आपका कैपिटल बढ़ जाता है, तो उससे एक लगता है कि एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा बिजनेस और आप वो यूज कर रहे हैं ना अपनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसका एक फायदा और, इससे क्या होता है कि आपके रिजर्व जो है कैपिटलाइज हो गए, रिजर्व कम हो गए, कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो फ्यूचर में आप डिविडेंड देने से भी बच सकते हैं। जब रिजर्व होंगे नहीं तो आप देंगे कहाँ से, डिमांड ही नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, कैपिटलाइज रिजर्व सो दे कैन नॉट बी पेड एज डिविडेंड। आपका रिजर्व में बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा या शेयर प्रीमियम बहुत सारे आपके पास है, बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो शेयर होल्डर डिमांड कर सकते हैं ना, कितना रिजर्व पड़ा हुआ आप डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे भाई, या तो डिविडेंड दें या उसको यूज करें कहीं पे, प्रॉफिट से दे दें ना। अच्छा, आप बोनस शेयर कहाँ से दे रहे हैं, शेयर प्रीमियम से दे रहे हैं, प्रीमियम बहुत सारा पड़ा हुआ आपके पास, प्रॉफिट बहुत सारा है, तो शेयर होल्डर डिमांड करेंगे कि भाई आप डिविडेंड दो, इतना प्रॉफिट रखा हुआ है, इतना प्रीमियम पड़ा हुआ है। ठीक, तो इससे क्या होगा, रिजर्व आपके कम हो जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बोनस भी आपको पे, डिविडेंड भी आपको पे नहीं करना, डिमांड ही नहीं आएगी। जब रिजर्व्स आपके कम होंगे तो शेयर होल्डर की तरफ से डिमांड भी नहीं, सही कन्वर्जन है सर। ठीक, और इससे देखिए फायदा है ना, अब आप शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिल गए, आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो उससे लगेगा एक बड़ा बिजनेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, एक बड़ी कंपनी है, आपके रिजर्व्स कम हो जाएंगे, कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है, और आपके रिजर्व्स कम होने से आपको फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो उससे भी आप बचे। ठीक, अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, डू नॉट रेज कैश, कैश तो आएगा नहीं, फ्री में दे रहे। अच्छा, एडमिन कॉस्ट ऑफ मेकिंग बोनस इश्यू, कॉस्ट तो आपकी आएगी ना, एडमिन कॉस्ट, आप शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करेंगे तो उनका जो रिकॉर्ड है वो सारा अपडेट होगा, तो उसमें आपकी एडमिन कॉस्ट आएगी। अच्छा, फिर एक कोड जिओपरडाइज पेमेंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड इफ प्रॉफिट, अगर फ्यूचर में आपका प्रॉफिट कम हुआ तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे आपके तो शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो डिविडेंड भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, अगर प्रॉफिट कम हो गया तो डिविडेंड देने में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये तो हो गए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अभी क्वेश्चन करते हैं और इसकी एंट्रीज बना लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मंगाते हैं। क्वेश्चन होगा ये थ्योरी नहीं है, फिर आपको हैंडआउट दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इंजनरेट लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी हैज 20,050 शेयर्स इन इशू, ईच इशूड फॉर 1.25 एंड मेक्स अ 1 for 4 बोनस इशू कैपिटलाइजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट, व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक, अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 20,000 के हैं। ठीक, बोनस शेयर कितने कर रहा है वो इशू, 1 for 4, हर 4 पे 1, कितने शेयर इशू होंगे, बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे ना, कितना आ रहा है, 5,000, 5,000 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, सेवेंटीन, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ना, कितने शेयर इशू होंगे, 5,000। ठीक है, अच्छा, अब ये इशू कहाँ से होते हैं, इसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे, शेयर प्रीमियम से, तो आपका शेयर प्रीमियम डिक्रीज होगा और शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है डेबिट, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट क्या लेंगे आप, अब ये इशू किस रेट पे हो रहे हैं, नहीं ये 1.25, तो ये 20,000 की बात कर रहे हैं, ये जो 20,000 इशू किए थे ये इश्यू हुए थे 1.25 के रेट पर,
आज जो बोनस शेयर इशू हो रहे हैं वो किस रेट पर हो रहा शेयर रेट है? रेट नहीं दिया हुआ, ठीक नहीं। है? हाँ, रेट नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ठीक है ना? एंड इश्यू मेक्स अ 1/4 बोनस इश्यू कैपिटल आदि, बस रेट का है, नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो इसलिए नहीं दिया कि जो बोनस शेयर होते हैं वो हमेशा पार वैल्यू पर इश्यू पर, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखते हैं, बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पर इश्यू होते हैं। पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट, ठीक है। 5,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, 2,500, तो उसके बाद ये जो 20,000 की बात हो रही है, 20,000 जब कभी इश्यू किए थे पहले हमने, वो इश्यू किए थे 1.25 के रेट, पार वैल्यू 50 सेंट थी, इश्यू किए थे 1.25, यानी कि प्रीमियम पर इश्यू किए थे। तो वो जो प्रीमियम मिला था हमें पास्ट में, अब उसमें से हम बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कितना? 2,500 एंट्री होगी इफेक्ट, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है? अच्छा, पहले कंप्लीट करते हैं, बाद में कॉपी कीजिएगा। अब उसके टी अकाउंट्स भी बना लेते हैं। अब शेयर कैपिटल का बैलेंस, अच्छा इसके टी अकाउंट नहीं बने हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाएंगे, ठीक है? कॉपी कर लें अकाउंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बना। क्वेश्चन नंबर 18, चेरिस्टी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद 2,25,000 शेयर्स इन इशू। एट 1 जनवरी द बैलेंस ऑन शेयर प्रीमियम अकाउंट इज 75,000। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर इन द ईयर एंडेड दिसंबर 2016। 31 जनवरी देयर इज फुली टेकन अप 2 for 5 राइट्स इशू। द प्राइस इशू प्राइस इज 1. अच्छा, इसमें दोनों आ गया, राइट्स इशू और बोनस। अच्छा, पहले राइट इश्यू कंटिन्यू बनाते हैं। रेशियो क्या दिया? 2 for 5। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 200,000, ठीक, सॉल्व करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, तो कितने हो गए? 80,000 शेयर्स की एंट्री क्या होगी राइट इश्यू की? ये तो कैश के अगेंस्ट इश्यू होते हैं ना, राइट इश्यू लास्ट क्लास में पढ़ा था यार, मार्केट रेट से कम रेट पर। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा, रेट क्या दिया इसका? यहाँ पे इसने इश्यू कर रहे हैं 1.8, तो 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, कैश आ जाएगा हमारे पास 1,44,000। शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। पार वैल्यू कितनी है? 25 सेंट, 25 सेंट है ना? 80,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 सेंट से, शेयर कैपिटल आएगा 20,000, बाकी सब प्रीमियम होता है। राइट्स इशू के तो प्राइस होते हैं ना, कि किस रेट पर इशू करना है राइट्स इशू। बोनस के रेट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा पार वैल्यू पर इशू हो। अच्छा, अब इसमें 12 अगस्त, देर इज अ 1 for 10 बोनस इश्यू मेड यूजिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे? रेशियो दिया हुआ 1 for 10 का, कितने? 10 यानी कि 1/10 हो जाएगा। कितने होंगे, कितने होंगे आप बताएं? 20,000। बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे? ये तो रेशियो दे दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, 20,000 जी। बाकी बताएं, 20,000, 20,000 रॉन्ग आंसर, गुड हो गया जी। देखें बता, नहीं कुछ, ओपनिंग बैलेंस कब का है? 1 जनवरी की बात हो रही है ना, ठीक है? बोनस राइट्स इशू कब किए थे, और अब बोनस इशू कब हो रहा है? अगस्त। तो कितने शेयर इशू? ये देखें, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? 2 लाख। हमने राइट्स इशू कितने किए? 80,000, 2,80,000 टोटल हो गए आपके शेयर। अब जो बोनस हम देंगे वो 2,80,000 को देंगे,
डेट वाइज चले, 1 जनवरी को शेयर्स कितने इशू किए थे हमने? 2 लाख शेयर्स इशू में थे, और 31 जनवरी को राइट शेयर्स इशू किए 80,000। टोटल कितने शेयर इशू हो गए? सब बोनस 2,80,000 को देंगे, 2 लाख को देंगे, 2,80,000। ठीक है, तो जब भी राइट्स इशू और बोनस इशू एक साथ आएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पहले इशू होंगे वो ऐड होंगे, इसके बाद दूसरे वाले कैलकुलेट। अच्छा, इसमें क्या था, राइट्स इशू पहले थे, बोनस इशू बाद में था। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है पहले बोनस शेयर इशू हो बाद में राइट्स इशू। पहले बोनस दे देंगे, राइट बाद में, तो फिर वो बोनस वाले इंक्लूड हो। बिल्कुल, तो पॉइंट ये कि जब भी आप सेकंड वाले कैलकुलेट करेंगे तो आपने पहले वाले प्लस करने हैं, इसके बाद सेकंड वाले कैलकुलेट, हमेशा, चाहे राइट शेयर्स पहले हो चाहे बोनस पहले। ठीक है, ये शेयर जो है चाहते हैं अभी जाएंगे, बताता हूँ फिर क्या होगा, वो बताता हूँ अभी। अभी आ रहे क्वेश्चन आ रहे, अगर उससे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, 85 हो गए तो क्या करेंगे, तो भी बताते, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा ना। अगर आपके बोनस शेयर्स मिनिमम से ज्यादा हो, ठीक है, करते हैं। तो पहले शेयर्स निकाल लिए हमने, इनटू 1 पर 28,000 हो गए। अच्छा, रेट क्या लेंगे हम, किस रेट पर इश्यू होंगे? बोनस शेयर, तो बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पर इश्यू होते हैं। पार वैल्यू है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, कैश आएगा 7,000 हो जाएंगे ना। एंट्री होगी शेयर प्रीमियम डेबिट 7,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 7। अब पहले अकाउंट बनाएंगे, तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या है, इसमें क्या होगा? शेयर्स कितने थे? 2 लाख ना। पार वैल्यू कितनी है? 0.25, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25, 50,000। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो बनेगा 50,000, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस इसने दिया हुआ यहाँ 75,000। अब हमने जो एंट्रीज बनाई है वो पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री क्या है? राइट इशू की, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो ये शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम, बाकी बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे। सेकंड, बोनस शेयर्स की एंट्री बनाई हमने कि शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का, और ये इसके बाद प्रीमियम अकाउंट क्लोज करेंगे। 199 में से 7,000 माइनस करेंगे तो ये शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 192। कॉपी कर लें, डन पार्टी, सॉरी। चलिए, आंसर था 19 ना। पहले तो राइट इश्यू हो गए, चलिए कर लें। कौन क्या सा है? पार वैल्यू क्या थी? 25 सेंट। इशू कितने पे हुआ? 1 डॉलर पे। 0.75 प्रीमियम हो गया। पॉइंट? हाँ, ये 0.25 पार वैल्यू थी। इशू कितने पे कर रहे हैं? 1 डॉलर पे, तो एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं आपको? 0.75। एक्सेस अमाउंट 0.75 प्रीमियम। ठीक है, अब इसके बाद बोनस बाद में देखिए। बोनस इश्यू आप पहले समझ लें, शेयर्स कितने आ रहे हैं? 150,000। पार वैल्यू पे इश्यू होंगे 0.25 से मल्टीप्लाई, ठीक ठीक चलें। ये अकाउंट बना दे, अब शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा?
1,25,000 और प्रीमियम कितना है 1 लाख। बैलेंस इज गिवन है, कैपिटल आ गया 1,25,000, प्रीमियम आ गया आपका 1 लाख। एंट्रीज पोस्ट करेंगे, पहली एंट्री हमारी थी राइट्स इशू की, तो इसमें कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ है पहली एंट्री में, 65 और प्रीमियम 75 अब सेकेंड हमने बनाई बोनस इशू की, इसमें प्रीमियम डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट 37,500, 37,500। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये शेयर कैपिटल का बैलेंस आ गया 2,25,000। प्रीमियम अकाउंट क्लोज करेंगे और ये शेयर प्रीमियम का बैलेंस आ गया 2,50,000। क्वेश्चन हम टैली कर लें, पहले इसमें बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, सही है ठीक है, 50 सेम। इसके बाद राइट शेयर इशू होंगे, तो शेयर सेम आ रहे हैं, नहीं एग्जिस्टिंग कितने थे 100, बोनस राइट्स इशू बोनस शेयर्स कितने इशू हुए 50, 100 प्लस 150, 150 हो गए, 150 × 2.5 60 हो जाएंगे, और एंट्री होते हैं कि इसकी सेम नहीं नहीं ओके। अकाउंट्स टैली कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी देखी थी पिछले लेक्चर की, रिकॉर्डिंग देख लेना समझ आ जाएगी। तो क्या कर रहे थे ऐसे ही, तो रिकॉर्डिंग देख ले जाके समझ आ जाएगा सारा क्यों लॉस कर रहे हैं। जी टी अकाउंट्स